ये मूर्ति को बता रहे हैं कि प्रकट हुए कम से कम 85-90 वर्ष हो चुका है। यह मूर्ति छोटी सी प्रकट हुई थी, अब तो नहीं देखे हैं, पर यहाँ के जो रहवासी हैं वो बता रहे हैं। और हमसे पहले जो यहाँ पूजा पाठ करने वाले थे महात्मा लोग, वो उनका भी यही कहना है। यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं वो पूरी होती है। शनिवार मंगलवार को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ प्रसाद भी चढ़ाते हैं। कोई चना गुड़ ला रहा है, कोई मीठी वस्तु ला रहा, तब जिसके मन में जैसा श्रद्धा बनी वो प्रसाद लेके आते हैं। शनिवार मंगलवार हफ्ते में 2 दिन यहाँ सिंदूर चढ़ाया जाता है, इनके कपड़े भी बदले जाते हैं। क्या पूजा का क्या विधि है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, लोग क्या करें मंगलवार को? अब मंगलवार को उनकी यही पूजा पाठ आराधना यही विधि है। यही भगवान है, भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। जितनी भक्ति करेंगे भगवान उतना ही प्रसन्न होंगे। तरीका क्या है, क्या क्या इनको प्रिय है जो चढ़ाया जाता है, और इनकी स्तुति पाठ कौन कौन से? अभी जो भी आते हैं प्रसन्न करने के लिए प्रसाद चढ़ा दिए, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा, कोई बजरंग बाण का कर रहा, कोई सिंदूर वगैरह ला के चढ़ा रहे हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए श्रद्धा अनुसार। मान्यता किस तरीके से, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और यहाँ चमत्कार दिखता है? ये स्वयं प्रकट मूर्ति है, छोटी सी प्रकट हुई थी लगभग 1 फीट की, अब ये बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ी हो चुकी है और ये बहुत दूर तक जानकारी हो चुकी है, लोग आते हैं। मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं? मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं, बहुत मनोकामनाएं पूरी हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि लोग हमेशा मनोकामना जो मांग के गए हैं वो प्रसाद चढ़ाने आते हैं, और बहुत से लोग मांग के भी जाते हैं, उनकी भी पूरी हो रही है। जब प्रसाद चढ़ाने आते हैं तो हम लोग पूछते भी हैं कि भाई अपनी मनोकामना जो ले के आए थे तो लगभग कितने दिन हो गए मांगे हुए, सब साल भर के अंदर बताते हैं। बहुत से लोगों से हम लोग पूछ चुके हैं ये बात, साल भर के अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है।